नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से नाटो में शामिल हुए फिनलैंड की ताकत के विषय में बताने वाला हूं और उसकी दोस्तों मिलिट्री पावर कितनी है उसके विषय में मैं बताऊंगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि रसिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा तो दोस्तों ये जान लीजिए कि फिनलैंड और रसिया के बॉर्डर सीमा 1300 किलोमीटर की लगती थी, जिससे फिनलैंड को नाटो में शामिल होने से रसिया के सारे आवागमन बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नाटो के पास फिनलैंड को मिलाकर कितने देश हुए और दोस्तों इसकी ताकत कितनी बढ़ गई। पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं दोस्तों यहां पर बात करूं फिनलैंड की करंट पॉपुलेशन के विषय में तो दोस्तों फिनलैंड की करंट पॉपुलेशन 55,60,000 बताई जाती है। बात करें दोस्तों नॉमिनल जीडीपी की तो दोस्तों फिनलैंड की नॉमिनल जीडीपी 280 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है। बात करें कि फिनलैंड अपने डिफेंस बजट पर कितना खर्च करता है तो दोस्तों फिनलैंड अपने डिफेंस बजट पर 6.3 बिलियन डॉलर तक अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है। बात करें कि फिनलैंड के पास एक्टिव पर्सनल कितने हैं यानी कि सैनिक कितने हैं तो दोस्तों फिनलैंड के पास प्रेजेंट टाइम पे 30,000 से ज्यादा एक्टिव सैनिक बताए जाते हैं। बात करें रिजर्व की तो दोस्तों फिनलैंड अपने पास 2 से 8 लाख तक रिजर्व में सैनिक रखता है। बात करें फिनलैंड के पास कितने प्रकार के कौन कौन से वारहेड मौजूद हैं तो दोस्तों फिनलैंड के पास किसी भी प्रकार का कोई भी वारहेड मौजूद नहीं बताया गया है। बात करें मैन बैटल टैंक की तो दोस्तों फिनलैंड के पास 200 से ज्यादा यूनिट के टैंक मौजूद बताए जाते हैं। बात करें इन्फेंट्री आर्म्ड व्हीकल की तो दोस्तों फिनलैंड के पास 1300 से ज्यादा यूनिट के आर्म्ड व्हीकल मौजूद बताए जाते हैं। बात करें दोस्तों सेल्फ प्रॉपर्ड ऑर्डरली के विषय में तो दोस्तों फिनलैंड के पास 150 से ज्यादा यूनिट मौजूद बताई जाती है। बात करें टाउट ऑर्डरली गन के विषय में तो दोस्तों 650 से ज्यादा यूनिट फिनलैंड के पास मौजूद बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हवाई ताकत तो दोस्तों हवाई ताकत में फिनलैंड एयर डिफेंस सिस्टम में फ्रांस का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जर्मनी का शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दोस्तों मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करता है। बात करें दोस्तों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की तो दोस्तों इसके पास 75 से ज्यादा यूनिट मौजूद बताई जाती है। दोस्तों बात करते हैं फिनलैंड के पास टोटल एयरक्राफ्ट कितने मौजूद बताए जाते हैं तो दोस्तों फिनलैंड के पास 200 से ज्यादा यूनिट एयरक्राफ्टों की बताई जाती है। बात करें मल्टी रोल जेट की तो दोस्तों 55 से ज्यादा यूनिट फिनलैंड के पास मौजूद बताई जाती है। बात करें अटैकर हेलीकॉप्टर की तो दोस्तों 30 से ज्यादा यूनिट फिनलैंड के पास मौजूद बताई जाती है। बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो दोस्तों फिनलैंड के पास किसी भी प्रकार का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं बताया जाता है। बात करें डिस्ट्रॉयर शिप की तो दोस्तों डिस्ट्रॉयर शिप की भी संख्या फिनलैंड के पास 0 ही बताई जाती है। बात करें फ्रिगेट शिप की तो दोस्तों वह भी फिनलैंड के पास मौजूद नहीं है। बात करें कार्बेट्स की तो दोस्तों जल्द ही फिनलैंड अपने सेना में 4 कार्बेट शामिल करने वाला है। बात करें गुप्त हथियारों में सबमरीन की संख्या तो दोस्तों अभी तक फिनलैंड के पास कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी सबमरीन मौजूद नहीं है। मैं दोस्तों यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है तब से दोस्तों रसिया को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों रसिया और यूक्रेन का युद्ध की वजह ही नाटो में शामिल होना था, तो दूसरी तरफ फिनलैंड नाटो में शामिल हो चुका है। दोस्तों ये तो हुई फिनलैंड की ताकत, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है, इसके आने से नाटो की ताकत बढ़ी है या फिर रसिया की ताकत घटी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही चलते चलते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।